दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला, कहा 4.5 साल से भारत में असहिष्णुता, देश को फिर एकजुट करेंगे। लखनऊ में आज मायावती और अखिलेश यादव की पहली बार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का ऐलान करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन, प्रधानमंत्री मोदी आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हमलों का जवाब देंगे। सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा का नौकरी से इस्तीफा, आलोक वर्मा के इस्तीफे के बाद सीबीआई डायरेक्टर की रेस में मुंबई पुलिस आयुक्त सुबोध कुमार जायसवाल, यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और एनआईए के प्रमुख वाईसी मोदी। दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को बड़ा झटका, कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की। सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने कामकाज संभालते ही आलोक वर्मा की ओर से किए गए सभी ट्रांसफर आदेश वापस लिए। नए साल में चौथी बार बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.26 रुपए हुई। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह समेत 4 आरोपी दोषी करार, 17 जनवरी को सजा का ऐलान होगा। पूर्व बैंकर और आम आदमी पार्टी की नेता मीरा सान्याल का 58 साल की उम्र में कैंसर से निधन। विवादित बयान पर जांच पूरी होने तक हार्दिक और राहुल टीम इंडिया से सस्पेंड, ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटेंगे। और सिडनी वनडे में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला।